हेलो फ्रेंड, लिट्टी किचन में आपका स्वागत है। तो अभी रात का टाइम है तो मैं आज रात के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ लिट्टी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूँ। तो ये देखिए, मैंने प्याज काट के रखे हैं, जो मैंने बड़े बड़े लिए हैं साइज में, दो बड़े बड़े साइज़ के प्याज है जिसे मैंने काट लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 बड़ा चम्मच है ये लहसुन जो बहुत बारीक कटा हुआ है। और यहाँ पर ये है मैंने ये 12 हरी मिर्ची है जो बड़ी है। तो फ्रेंड, ये मिर्च बहुत तेज़ है तो मैंने 12 लिया है। अपने हिसाब से जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से ले, और जितना आप बनाना चाहें उस हिसाब से अपने बनाए घर में। तो यहाँ मैं स्वाद के अनुसार दे रही हूँ इसमें नमक, और मैं इसमें डालूंगी 3-4 चम्मच सरसों का तेल जाता है, ये डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 चम्मच और यहाँ 1/2 चम्मच और ले लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस जो मैंने प्याज पर ही डालना है, ताकि ये प्याज जो है वो नरम पड़े और प्याज अपना जूस छोड़ दे। तो मैंने यहाँ पर दो मैंने काट लिए थे कि नींबू को साइज में, उसे मैंने गाड़ लिया है, मतलब कि पूरा मैंने नींबू इसमें डाला है। एक नींबू मैंने इसमें अचार का मसाला नहीं डाला है, क्योंकि तो मुझे अच्छा नहीं लगता अचार का मसाला, इसलिए मैंने नहीं डाला है। चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, अचार का तेल भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसमें देखिए इतना छोटा अदरक डाल रही हूँ, तो मैंने इसे ग्रेट नहीं किया था, अभी मैं कर दिखा रही हूँ। तो हम इसे ग्रेट करके डालेंगे। देखिए ये अदरक ग्रेट हो गया अच्छे से। अब हम इसे एक साथ मिक्स करेंगे। मैं इसमें अजवाइन नहीं डाल रही हूँ, कलौंजी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वो मेरे बेटे को पसंद नहीं है जब उसका फ्लेवर उसके मुँह में आता है। तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ आज। ये भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लिट्टी में अच्छा लगता है अजवाइन और कलौंजी मंगरेला ये सब डालने से अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो डाल के बनाइएगा उसी तरह से, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम इसे हाथ की सहायता से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने से क्या होगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा लिट्टी का। तो पहले मैं मिर्ची को साइड कर लेती हूँ एक साथ में, मिर्ची को नहीं मिलाऊंगी ताकि ये हाथ में लगे नहीं। तो हमें इसे मसल मसल कर अच्छे से मिलाना है। और यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम सत्तू, तो हम इसी में डाल देंगे। अब फ्रेंड देखते रहिए, ये बहुत अच्छी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे लिट्टी। तब सब लोग नहीं बताते हैं इस तरह से बनाना, तो आप इस तरीके से बनाइएगा, ये बहुत ही अलग टाइप का बनकर तैयार होगा। फ्लेवर में बहुत अंतर आएगा दोनों में। जब हम सत्तू पर प्याज डालते हैं काट के, उसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है, इस तरह से मिलाने से बहुत अच्छा बनता है लिट्टी। तो देखिए, और मैं इसमें 200 ग्राम सत्तू डाल रही हूँ। देखिए मैं सत्तू डाल दिया 200 ग्राम। अब मैं इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें कोई पानी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्याज ने अपना जूस छोड़ दिया है। मैंने इसमें नमक डाला, तेल डाला है, नींबू डाला है, तो बस इसी से प्याज अपना जूस छोड़ता है और अच्छे से मिक्स हो जाता है। ऊपर से पानी डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च डालें, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी डालूंगी बाद में, थोड़ा सा अलग से डालूंगी, क्योंकि मेरे बेटे को उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। देखिए ये सत्तू मिलकर तैयार हो गया है, और देखिए ये कितना गीला है, इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये बन रहा है इस टाइप का, ये गीला है। तो देखिए इसी तरीके से बनाइए आप भी और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए सत्तू तो बन गया है, तो मैं इसे साइड कर देती हूँ। अब मैं इसका जो लिट्टी का जो आटा है वो लगाऊंगी। तो बाज़ार में तो जो मिलता है वो मैदा से बना हुआ लिट्टी मिलता है, आप चाहे तो मैदा से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्दी रखने के लिए मैं आटा से ही बना रही हूँ। तो मैं इसे साइड करके रख देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है ये 1/2 किलो आटा है, और मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तो यहाँ की कटोरी है, चम्मच से नापेंगे तो ये 5 चम्मच तेल होगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मोइन के लिए, तो इससे बहुत अच्छा लगेगा, खस्ता और लिट्टी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें। देखिए 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, तो इससे स्वाद अच्छा आएगा। देखिए मैं अभी सब कुछ सब मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, रात का टाइम है और यहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं आ रहा है, तो वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत होती है फ्रेंड। तो मैं क्या करूँ, देखिएगा थोड़ा सा फील नहीं आता है पिक्चर, तो आप लोग देखना नहीं बंद कर दीजिएगा, प्लीज़ देखिएगा मेरे पिक्चर को, इस वीडियो को। तो फ्रेंड मैं एक अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक साथ नमक और तेल को आटे में, और इसका डो लगाकर कलर लगाकर तैयार करूँगी। तो फ्रेंड देखिए, ये आटा मैंने गूंध लिया है और इसे हार्ड ही गूंधना है, ताकि ये खस्ती लिट्टी बनकर तैयार हो। तो हम इसे साइड कर लेते हैं और हम यहाँ पर चोखा की तैयारी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक प्याज काटा है और 3 हरी मिर्ची है जो काटी हुई है मैंने चोखा के लिए, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है अपने स्वाद के अनुसार, और मैं इसमें तेल डालूंगी। तो यहाँ पर मैं सरसों तेल ले रही हूँ चोखा के लिए, 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, तो ये चोखा में थोड़ा ज़्यादा ही तेल जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये सब मैंने नमक तेल और हरी मिर्च है प्याज है सबको मैंने एक साथ मिक्स किया है, इसमें रख दिया है, मैं मिक्स करूँगी। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये 3 आलू लिए हैं मैंने, इसे बॉइल कर लिया है, और यहाँ पर 2 बैंगन है जिसे मैंने गैस की फ्लेम पर पका लिया है कट लगाकर बीच से, और मैं इसे देख लिया इसमें कीड़े नहीं है। तो आप जब भी पकाएं बैगन को, तो हमेशा देख कर ही पकाएं, इसे जीरा लगा ले और तेल लगा ले बैगन में, तब उसे पका ले। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर पकाया हुआ है, तो देखिए इन सबको मैं मिक्स करूँगी इस प्याज में। तो पहले इन सबको मैं एक साथ मिक्स कर लेती हूँ, इससे चोखा का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और मैं अब आलू को तोड़कर डालती जाऊँगी इसमें। तो फ्रेंड इस तरीके से आप चोखा बनाइए लिट्टी का, तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में लिट्टी के साथ में। तो फ्रेंड देखिए, आलू मैंने डाल दिया, इसमें मैं बैगन डाल दे रही हूँ, और इसमें मैं एक टमाटर उसको मैं डाल दूँगी, और एक साथ सबको मिक्स कर लूँगी। तो आप इसे हाथ से मिला लें अच्छे से,
तो मिला के मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से आप जरूर बनाइएगा चोखा को अपने घर में, और खाकर देखिए कितना टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड देखिए चोखा बनकर तैयार है, तो मैं अब लिट्टी छान की तैयारी करूँगी, तो मैं इसे ढककर रख दे रही हूँ अभी। तो फ्रेंड देखिए अब मैं लोई काट रही हूँ और इसे पेड़े बनाकर इसमें सत्तू भरूंगी। तो इस तरीके से हमें करना है, अंगूठे से दबा दबा कर हमें पेड़े को पतला और गहराई से बना लेना है, इस टाइप का कटोरी टाइप का, और हम इसमें ये फिलिंग भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है ना, सो मैं इसमें डाल दूंगी और इसके साथ मैं भरूंगी इसके साथ इसमें सत्तू को। तो ये खस्ता बनकर तैयार हुआ ये लिट्टी, तो इसमें कम भी सत्तू डाल सकते हैं, अपने हिसाब से डालें, आपको अच्छा लगता है सत्तू तो थोड़ा ज़्यादा भी भर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से मैं सारे लिट्टी को भरकर रख लूँगी। तो फ्रेंड देखिए मैंने लिट्टी को भर लिया है और मैं एक एक करके इस तेल में डाल दी जाऊँगी। तो मैंने तेल को गर्म किया है और इसकी फ्लेम को लो कर दिया है अभी। तो देखिए फ्रेंड मैं अभी इसे पलट ले रही हूँ, इसे डाले हुए 2 मिनट हुए हैं अभी, मैं इसे पलट लेती हूँ क्योंकि हमें पलट पलट कर इसे पकाना होता है। तो इसे अच्छे से तलेंगे इस टाइप से, तो ये अंदर तक पक के बहुत ही अच्छा क्रिस्पी खस्ता तैयार होगा ये लिट्टी। तो देखिए फ्रेंड ये लिट्टी अब बनकर तैयार है, ये अच्छे से ये इसमें तल गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसे तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 15 मिनट का टाइम लगेगा और ये अच्छे से बन जाएगा। तो आप इसमें हमेशा ध्यान रखें कि इसे हमेशा उलट पलट कर ही तलें अच्छे से, ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। तो देखिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए पकने के बाद किस तरह से फट गए हैं, देखिए कितने अच्छे से फट गए हैं, बहुत अच्छे लग रहा है ना, ये पकने की आसानी है। ये हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड आप इस तरीके से ये लिट्टी जरूर बनाइएगा अपने घर में, और एक दो चीज़ की जरूर सावधानी रखिएगा इसमें कि जो हम गैस का फ्लेम है हमेशा लो टू मीडियम में ही इसे बनाएंगे, तलेंगे लिट्टी को, और ये अच्छे से बनकर तैयार होगी, अंदर तक पक जाएगी तो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ती बनकर तैयार होगी। ये बहुत ही खस्ता अच्छा लगता है खाने में और हेल्दी भी है। तो देखिए फ्रेंड ये मैंने लिट्टी को तल लिया अच्छे से, ये देखिए, तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड ये लिट्टी अब बनकर तैयार है, ये अच्छे से ये इसमें तल लिया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसे तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 15 मिनट का टाइम लगेगा और ये अच्छे से बन जाएगा। तो आप इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि इसे हमेशा उलट पलट कर ही तलें अच्छे से, ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। तो देखिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए पकने के बाद किस तरह से फट गए हैं, देखिए कितने अच्छे से फट गए हैं, बहुत अच्छे लग रहा है ना, ये पकने की आसानी है। ये हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड आप इस तरीके से ये लिट्टी जरूर बनाइएगा अपने घर में, और एक दो चीज़ की जरूर सावधानी रखिएगा इसमें कि जो हम गैस का फ्लेम है हमेशा लो टू मीडियम में ही इसे बनाएंगे, तलेंगे लिट्टी को, और ये अच्छे से बनकर तैयार होगी, अंदर तक पक जाएगी तो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ती बनकर तैयार होगी। ये बहुत ही खस्ता अच्छा लगता है खाने में और हेल्दी भी है। तो देखिए फ्रेंड ये मैंने लिट्टी को तल लिया अच्छे से, ये देखिए, तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड ये बनकर तैयार हो गई है हमारी लिट्टी, और बहुत ही हेल्दी लिट्टी बनी है ये। तो आप इस तरीके से जरूर बनाएं अपने घर में, और मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।